नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। नियमितीकरण में अध्यापकों के समान वेतन की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से अनशरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज थाली में पीटते हुए शहर में मार्च निकाला। सरकार को गहरी नींद से जगाने के लिए थालियां पीटकर संदेश दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, अध्यापकों के समान दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर वह पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने उन्होंने उनकी नहीं सुनी तो सरकार को जगाने के लिए उन्होंने थाली पीटकर संदेशात्मक विरोध किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो आगे उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा और उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगी। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है, कब से कार्य कर रहे हैं? जी, मैं 2007 से कार्य कर रही हूँ। मेरी यही मांग है कि हम लोग को कुछ एक मानदेय दिया जाए, कम से कम फिक्स 10,000 रुपये महीना को दिया जाए, क्योंकि हम लोग के परिवार में ऐसा तो कोई है नहीं है कि भैया वो पूरा कर सकता। जब हम रात में 12 बजे 2 बजे हम अपने बच्चों को अपने परिवार को समय नहीं देते, पूरा समय अपने शासन को देते, प्रशासन हमारा सोच नहीं रही है। इसलिए हमको यही है कि हमको फिक्स मानदेय दिया जाए। अभी जो मानदेय आपको मिलता है वो समय पे मिलता है? नहीं मिलता है, वो समय पे नहीं मिलता, टुकड़ों में देते हैं। और दो दो चार चार महीने, चार महीना अगर वो महीना जो अगर 4 महीने में पैसा मिल रहा है तो वो हम परिवार का पालन पोषण कैसे। क्या नाम है आपका? श्रीमती देव की चढ़ा। किन मांगों को लेके आज प्रदर्शन किया? हम लोगों की पहली मांग नियमितीकरण है, दूसरी मांग अध्यापकों के समान हमको दर्जा दिया जाए, और नियमावली जो अध्यापकों के लिए बनाई है वो नियमावली हम लोगों के साथ लागू की जाए। हम 15 दिन से लगातार धरना पे बैठी हैं, लेकिन सरकार हमारी अनसुनी कर रही है, अनदेखी कर रही है। इसलिए आज हम लोगों ने थाली और कलेचरी बजा कर सरकार जो गहरी नींद में सो रही है उसको जगाने के लिए हमने थाली बजा कर प्रदर्शन किया है। जो सरकार उठ के हमारी मांगों पर ध्यान दे और हमारी मांग पूरी करें। इसके पहले भी आप लोगों ने कई प्रदर्शन किए? इसके पहले हमने भीख मांगी है और हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है जिससे सरकार की सद्बुद्धि हो, और सुंदरकांड किया है, इससे भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज हमने थाली बजाकर गहरी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया। आने वाले समय में अगर आप लोगों की फिर भी मांगे नहीं मानी जाती तो किस प्रकार से विरोध जताएंगे? आने वाले समय में हम उग्रवादी आंदोलन करेंगे, इसकी जवाबदार सरकार रहेगी, क्योंकि हम 15 दिन का धीरज बहुत होता है। हम लोग अपने बच्चों को लेकर भूखे प्यासे बच्चे दिन भर बैठे हैं, हम लोग सब कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं। इसकी जवाबदार सरकार रहेगी। उग्रवाद आंदोलन में हम कुछ भी कर सकते हैं, चक्का जाम करेंगे, अनशन करेंगे, पुतला जलाएंगे, और जो भी कदम रहे उठाएंगे वो सरकार की जवाबदारी है। क्या नाम? शकुन राजपूत अध्यक्ष।